बंसी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर था, जो अपनी बीवी, बेटी अनोखी और बेटे सूरज के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। दिवाली के त्योहार में बोनस मिलने की खुशी में बंसी काम से आते हुए अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर घर आता है, तो खाना बनाने के लिए रसोई में सब्जियां काट रही उसकी बीवी चंदा कहती है, आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबा देखिए ना, सूरज ने मेरी पेंसिल ले ली है, अब वो वापस नहीं कर रहा है। वो मेरी पेंसिल है बाबा, दीदी झूठ बोल रही है। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी तो तुम्हारे बाबा थके हारे आए हैं और तुम दोनों पहुंच गए अपनी लड़ाई लेकर। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं बच्चों, चलो लड़ाई छोड़ो और ये देखो तुम्हारे बाबा क्या लाए हैं। क्या लाए हो बाबा? बंसी दोनों को नए कपड़े देता है, जिसे देखकर दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक जाते हैं और वो कहते हैं, नए कपड़े बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी कमीज भी बहुत अच्छी है। बस मिल गई दोनों को खुशी? अभी नहीं, असली खुशी तो हमें तब मिलती जब बाबा के हाथ का खाना खाने को मिलता। वो भी तब जब बाबा हमारे मनपसंद के राजमा चावल बनाए। कोई राजमा चावल नहीं, सब्जी कट गई है और यही मिलेगी खाने को। चलो जाओ दोनों यहाँ से। बाबा। वो दोनों बच्चों की जिद देखकर बंसी चंदा से कहता है, कोई बात नहीं भगवान, बच्चों की खुशी के लिए आज मैं ही खाना बना देता हूँ, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़ा आराम हो जाएगा। अरे पर राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमा भिगोने होते हैं और राजमा घर में है ही नहीं, तो भिगोऊंगी कहाँ से। हाँ ये भी है बच्चों, आज तो राजमा चावल नहीं बन पाएंगे, इसीलिए कल तुम लोगों को मेरे हाथ के राजमा चावल खाने को मिलेंगे। पक्का ना बाबा? हाँ हाँ पक्का। अगले दिन बंसी बच्चों से किया अपना वादा निभाता है और खुद से राजमा चावल बनाकर अपने परिवार को खिलाता है, जिसे खाकर उसकी बेटी कहती है, बाबा आपके हाथों में कौन सा जादू है जो माँ के हाथों में भी नहीं है? आपसे अच्छा राजमा चावल तो माँ भी नहीं बनाती है। ये तो सही कहा आपकी बेटी ने, मैं भी कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन आपके बनाए राजमा चावल जैसा स्वाद मेरे बनाने पर आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, एक यही चीज है जो मैंने मेरी अम्मा से बनाना सीखी थी। बाबा आप भी खाइए ना हमारे साथ। तुम लोगों को खाते देख मेरा पेट तो ऐसे ही भर जाता है, तुम खाओ। ऐसे ही गरीब बंसी की जिंदगी अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी कट रही थी कि एक रोज फैक्ट्री में मजदूरों की एक जगह भीड़ को इकट्ठा देखकर बाकी लोगों से वो पूछ ही रहा था कि तभी फैक्ट्री का मैनेजर आकर सभी मजदूरों को फैक्ट्री बंद होने की खबर देता है। ये सुनकर सभी मजदूरों के साथ साथ बंसी के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। शाम के समय वो निराश होकर घर आता है और अपनी पत्नी को ये बुरी खबर देता है। ये सुनकर चंदा परेशानी में कहती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, वो लोग फैक्ट्री को ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? हमारी रोजी रोटी का एक वही तो साधन है। वही तो चंदा, नौकरी चली गई, ऐसा लग रहा है सर से किसी का साया उठ गया हो। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, खाना पीना, इन सब खर्चे का इंतजाम कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चंदा बंसी को दिलासा दे तो रही थी लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा और कैसे आएगा। अगले ही दिन से बंसी नौकरी की तलाश में निकल जाता है लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, उसके बाद घर में खाने की दिक्कत, पैसों की किल्लत होने लगी थी, साथ ही मकान मालिक भी किराया लेने के लिए बार बार घर आता। एक रोज स्कूल से लौटते ही उसका बेटा सूरज कहता है, बाबा बाबा आज राजमा चावल बनाओ ना, कितने दिन हो गए हमने राजमा चावल नहीं खाए। अरे नहीं बेटा, अभी राजमा चावल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब तो बाबा घर पर ही रहते हैं, काम पर भी नहीं जाते, तो फिर क्यों नहीं बना सकते, बनाओ ना। सूरज जब माँ मना कर रही है तो जिद क्यों कर रहा है, चल यहाँ से। अनोखी सूरज को समझा कर ले जाती है। बच्चों की बात सुनकर बंसी को बुरा लगता है लेकिन तभी बंसी अपनी पत्नी से कहता है, चंदा क्यों ना मैं राजमा चावल बनाकर बेचने का काम ही कर लूं। बात तो आपकी सही है लेकिन राजमा इतने महंगे हैं, ऊपर से बनाकर बेचने के लिए थोड़े नहीं ज्यादा राजमा और चावल की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके लिए पैसों का इंतजाम कर लूंगा मैं, और फिर खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ तो कोशिश की जाए। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपके साथ हूँ। बंसी अपने किसी जानने वाले से 2000 रुपए उधार लेता है।
जिससे वो राजमा चावल और कुछ मसाले खरीद कर लाता है। अगले दिन चंदा एक रात पहले ही भिगोए हुए राजमा को उबाल कर रख लेती है, जिसके बाद बंसी कुछ ही देर में राजमा चावल बनाकर तैयार कर देता है और चंदा उन्हें दो बड़े स्टील के बर्तनों में डाल देती है और बंसी उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकलता है। वो गली गली आवाज लगाकर राजमा चावल बेचता है। राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। रास्ते में उसे एक आदमी रोकते हुए कहता है, आओ भैया, कैसे प्लेट दिए राजमा चावल? 20 रुपए प्लेट भाई, एकदम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट है, खाकर देखिए स्वाद आ जाएगा। ऐसा बात है तो तनिक दो एक प्लेट हमको, अभी देता हूँ। तभी बंसी उसे एक प्लेट राजमा चावल निकाल कर देता है, जिसकी खुशबू आते ही वो आदमी कहता है, वाह क्या खुशबू है, ए भैया कौन सा मसाला डाले हो इसमें? MDH का कि एवरेस्ट का? खड़े मसाले को पीस कर बनाया है भाई। अच्छा लिया अपने 20 रुपए। पैसे देकर वो राजमा चावल खाने लगता है। इस तरह पहले दिन उसकी बोनी शुरू होती है और पूरा दिन कुछ और ग्राहक भी मिल जाते हैं और शाम के समय वो बचे हुए राजमा चावल घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाता है। इस तरह अब वो रोज राजमा चावल बनाता और बेचने निकल जाया करता। बीते समय के साथ जब लोग उससे उसके बनाए स्वादिष्ट राजमा चावल लेकर खाने लगते हैं, तो वो रोज साइकिल छोड़कर बाजार में गरीब के राजमा चावल के नाम का ठेला लगा लेता है। एक रोज उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है, तभी एक औरत उससे कहती है, अरे गरीब के थोड़े राजमा चावल बचे हों तो 2 प्लेट मेरे लिए भी पैक कर दो। अरे शहलजा बहन, आप रुकिए अभी देता हूँ। एक बात तो बताओ बंसी भैया, इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बना कैसे लेते हो? देखिए शैलजा बहन, ये गरीब के राजमा चावल, ना तो इनमें कोई खास मसाले डालता हूँ मैं, ना ही बासमती चावल परोसता हूँ, बस अपनी अम्मा की बनाई विधि के अनुसार ही बनाता हूँ। अच्छा तो ये बात है जी शैलजा बहन, लेकिन पहले तो मैंने ये काम मजबूरी में ही शुरू किया था। पहले मैं किसी फैक्ट्री में ही काम करता था, लेकिन वो बंद हो गया, तो इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। और मेरे घर में भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मेरे हाथ के बनाए हुए राजमा चावल बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए, और अब यही मेरे परिवार की रोजी रोटी का साधन है। इतना कहकर बंसी शैलजा को 2 प्लेट राजमा चावल पैक करके देता है। वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह बंसी राजमा चावल बेच कर ही अपनी और अपने परिवार का खर्चा संभालता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। शहीद फौजी राम सिंह की 5 बेटियां हैं, जिनमें से कोई अपनी पिता की ड्यूटी को संभालते हुए फौजी है, तो कोई अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन इनमें से एक बेटी लोगों से हफ्ता वसूलती है तो दूसरी नाइट क्लब में पब में रातें गुजारती है। तो अब ऐसे में क्या 5 बेटियों में से कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने पिता का नाम खराब करेगी और कौन सी बेटी नाम बनाएगी, जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। दामिनी के पति राम सिंह एक फौजी थे जो अब इस समय दुनिया में नहीं है। वो अपने ड्यूटी के दौरान ही देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देती है। ऐसे में अचानक से फौजी राम सिंह की पत्नी दामिनी पर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें से एक बेटी सीमा को राम सिंह के बदले की जॉब मिलती है और वो भी अपने पिता की तरह फौजी की कंबान संभालती है। एक रोज दामिनी सुबह के समय नाश्ते के साथ रिंकू और रूही को ढूंढती है, क्योंकि खाने के टेबल पर अभी सिर्फ दामिनी की 3 बेटियां ही मौजूद थी। ऐसे में दामिनी अपनी और बेटियों को नाश्ता देते हुए अपनी बेटियों से कहती है, जे भगवान ने 5 बेटियां तो दी हैं, लेकिन 3 तो अच्छी खासी सुधरी हुई हैं और 2 ने तो मेरा क्या, अपने फौजी बाप का भी ना मिट्टी में मिला रखा है। माँ रहने दो, रिंकू कहीं हफ्ता मांग रही होगी और उसके बाद वाली आपकी लाड प्यार में बिगड़ी हुई बेटी रूही रात का नशा उतार रही होगी सोकर, लेट नाइट पार्टी करके आई है, बाकी आपके सामने है। माँ मुझे तो आज ही अपनी ड्यूटी पे निकलना है, ना जाने कब फिर मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिले। हाँ एक तू ही तो अपने बाप को समझ पाई और ऐसे समय में उनकी ड्यूटी संभाली, जो कर पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है।
दीदी मुझे आपकी तरह ही बनना है। अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, मुझे भी पापा का नाम रोशन करना है। हाँ जरूर महिमा, पहले तो मैं निशा की शादी कर दूँ किसी अच्छे से घर में। ये मेरी ऐसी बेटी है जिसके ना रहने से घर सूना हो जाएगा। इतनी संस्कारी और समझदार है ये, मुझे मरने के बाद तुम्हारी चिंता नहीं सताएगी। माँ आप ये क्या बोल रही हो, आपके बिना हम भी नहीं जी पाएंगे। फौजी राम सिंह की बड़ी बेटी निशा संस्कारी और समझदार थी। दूसरी बेटी सीमा अपने पापा के जाने के बाद उनका पद संभाल रही थी। तीसरी बेटी रिंकू हफ्ता ले रही थी, वो भी हर किसी से। चौथी बेटी रूही रात को पब और डिस्को जाना पसंद करती थी। और सबसे छोटी बेटी महिमा भी कॉलेज में थी, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। और दामिनी अपनी इन दोनों बेटियों को सुधारना चाहती थी। देर शाम रिंकू अपने घर से निकलती है और मार्केट जाती है और दुकानों से हफ्ता लेती है। और जब वो एक सुनार की दुकान से हफ्ता ले रही थी, तभी रिंकू सुनार से कहती है, इस शाने मेरे को देखकर क्या छुपा रहे लाए, चल ज्यादा शान पत्ती नहीं करने का। रिंकू देख, ये तो सही नहीं कर रही है, ये चैन मैंने किसी कस्टमर के लिए मंगवाई है। तो अब ये अपन की समझा क्या, चल कल्टी लेने का। अभी मैं तेरे से हफ्ता नहीं मांग रही है, शुक्र मना, और यही लेकर जा रही है बस। रिंकू देख, सच में ये बजट से ज्यादा है, मैं लूट जाऊंगा। ये सुनकर अब रिंकू की नज़र सुनार की दुकान की अंगूठी पर जाती है और रिंकू उसे पहनते हुए सुनार से कहती है, चल अब रिंकू को तेरे दुकान का ये अंगूठी भी रवाज लगे लाए। ये भी अपन का, तेरी एक महीने की छुट्टी, तेरे से अपन के पलटन लोग वसूली नहीं करेगा, समझा क्या। रिंकू ये तो ठीक नहीं कर रही है, मैं राम सिंह की बहुत इज्जत करता हूँ, देख ले तू। ए शाने अब तू अपन को अपन के ही बाप की धमकी देगा, वो भी उसकी जब यहाँ है इच नहीं, यही इच गाड़ देगी मैं तेरे को। ये थी मार्केट मोहल्ले में रिंकू की दादागिरी। लेकिन अभी तो आपको रूही से भी मिलवाना है, जो पब में डिस्को करना कभी नहीं भूलती है। देर शाम अब दामिनी घर का काम कर रही थी और रूही चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उसमें से 5,000 रुपए निकाल कर जैसे ही दबे पाँव घर से निकलने को होती है, वैसे ही दामिनी अपनी बेटी रूही से कहती है, हो गया तेरी नई ड्यूटी का समय, कभी लेट नहीं होती ना तू अपनी इस जॉब पर। ओह गॉड मॉम, आपको पीछे से बोलना जरूरी है क्या। अब जैसे ही रूही जाने लगती है, वैसे ही रिंकू भी घर आती है और रिंकू को देखकर दामिनी कहती है, देखिए जी आपकी ये दोनों बेटियां कितना नाम कर रही हैं। एक तो अभी नाइट शिफ्ट करेगी और एक लोगों को मार पीट कर उनसे पैसे वसूल कर आ रही है। इन दोनों ने जो भी किया है उससे आपके जानने के बाद हर कोई मुझसे यही कहता है, यही है शहीद फौजी राम सिंह की बेटियां। ब्रो लव यू, तू निकल अपन देख लेगा मॉम को। अब जैसे ही रात के खाने के लिए निशा दामिनी महिमा और रिंकू बैठते हैं, वैसे ही निशा अपनी बहन रिंकू के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी देखकर रिंकू से कहती है, रिंकू आजकल तो तू बहुत ही तरक्की कर रही है, क्या बात है, हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चैन, कैसे। अपन का रुतबा ही ऐसा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम। निशा खाना खा, किसे समझा रही है जो दूसरों का घर लूटने में एक पल नहीं सोचती है। अब इधर रूही पब में ज्यादा पीने के बाद पब के मालिक से बहस कर लेती है और पब के मालिक को पुलिस बुलानी पड़ती है। दरअसल रूही पब वाले को लेट नाइट पब खोले रखने की जिद करती है, तभी रूही पब मालिक से कहती है, मैं एक फौज की बेटी हूँ, तुझ जैसे को मैं देख लूंगी। और जब रूही को पुलिस ले जाती है तो सुबह दामिनी को पता चलता है कि रूही पूरे रात थाने में रही। ऐसे में रिंकू रूही को थाने से लाती है और वैसे ही रूही रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे पता चला कि मैं अपने पिता की कितनी बदनामी करवा चुकी हूँ। नहीं रूही, किसने कहा ऐसा, तू ठीक तो है ना। माँ अब आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि आपकी बेटी रूही ने अपने पिता का नाम खराब किया है, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे कह रहा था कि एक फौजी की बेटी ऐसे रात को नशे में घूमती है, उसने मुझे बहुत कुछ कहा। माँ अपन की सिस्टर को ऐसा बोला उसने, उसकी तो रेल निकाल डालेगी अपन, मैं छोड़ेगी नहीं उसको। रिंकू नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, उन्होंने ये सब इसलिए ही बोला होगा क्योंकि रूही नशे में थी। इसके बाद तो रूही सुधर जाती है और वो लेट नाइट पार्टी करने की जगह दिन में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करती थी।
लेकिन रिंकू तो अभी भी गुंडागर्दी नहीं छोड़ती और उसका सबसे हफ्ता लेने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तभी एक रोज फुल टेंशन में रिंकू कहीं जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला रिंकू को देखकर ताने मारते हुए रिंकू से कहती है, ये चली हफ्ता वसूली करने, फौजी राम की गुंडी बेटी, इसकी तो गुंडागर्दी कभी खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर रिंकू विमला से कहती है, पीठ पीछे बात नहीं करने का, विमला आंटी समझी क्या, अपन यहीं से गुजर रही है और तू एड़ी चाले चल रही है और अपन को समझ भी ना आए। मैं तेरे जैसे से मुंह नहीं लगती, बाप देश की सेवा करते मरा और तू लोगों को लूटने पर लगी है। अभी मेरे बाप को बीच में तू काय को लेकर आई, पहले बता मेरे को। तेरा बाप तो कितना अच्छा था, वो किसी से मुंह तक नहीं लगता था। अपन का बाप भले ही फौजी था, अपन को भी उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन अपन के सामने ही अपन को तू बोलेगी ना तो अभी इधर ही जी अपन तेरे को गाड़ डालेगी, समझी बराबर। विमला और रिंकू की लड़ाई देखकर दामिनी बाहर आती है और रिंकू को जैसे तैसे अंदर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और शांत भी करवाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फौजी राम सिंह की बेटी निशा के लिए एक रिश्ता आता है और लड़के वाले निशा को पसंद कर लेते हैं और लड़के का पिता यानी धर्म सिंह दामिनी से कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी बड़ी बेटी निशा हमारे घर की बहू बनेगी, क्योंकि राम सिंह ने जो बहादुरी और गर्व के साथ इस देश का नाम रोशन किया है उससे तो आपके परिवार और आपके बच्चों में वो संस्कार ही नजर आते हैं और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये बातें सुनकर निशा और उसकी चार बहनें भावुक हो जाती है, यहाँ तक कि रिंकू भी भावुक होकर मन ही मन सोचती है, शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है। मेरे पिता का नाम हर कोई बड़े गर्व के साथ लेता है और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पापा का नाम खराब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद लड़की वाले चले जाते हैं और दामिनी अपनी चारों पांचों बेटी से कहती है, देखा तुमने, आज शहीद राम सिंह की वजह से मेरी बड़ी बेटी निशा के लिए रिश्ता खुद चल कर आया है। बल्कि बेटियों के लिए तो रिश्ता ढूंढा जाता है, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम और उनके संस्कार की वजह से लोग खुद चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। माँ, आप ये सही कह रही हो, पापा के नाम की वजह से ही तो ये आज रिश्ता चल कर आया है, वरना आप हमारे लिए किस लड़के का हाथ मांगती। इस तरह रिंकू और रूबी को भी एहसास होता है कि शहीद फौजी राम सिंह ने जो नाम और रुतबा कमाया है उसे बरकरार रखा जाए। और उस दिन के बाद से रिंकू का खौफ मोहल्ले में बरकरार तो रहता है, लेकिन वो हफ्ता लेना बंद कर देती है। चंदा की सिर्फ शक्ल ही भोली थी और शक्ल पर तो जाना नहीं, क्योंकि नाम और शक्ल से भोली भाली दिखने वाली चंदा का दिल बहुत काला था। अब आप चंदा के दिल के खोटेपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रोज उसकी पड़ोस की आंटी विमला चंदा से कहती है, चंदा आज तेरी माँ नहीं गई राशन लेने, दिख नहीं रही है। हाँ हाँ गई है ना, आप शॉर्टकट रास्ते से जाना वरना भीड़ हो जाएगी। इतना सुनने के बाद विमला शॉर्टकट रास्ते से जाती है और विमला को जाते देखकर चंदा मुस्कुराते हुए घर जाते हुए अपने मन में सोचती है, अब आएगा ना मजा, जिस रास्ते से विमला आंटी गई हैं उस रास्ते पर जो कुत्ते सोए होते हैं आज तो विमला आंटी को काट कर ही रहेंगे। मुझे कल क्या बोल रही थी कि मैं काम चोर हूँ। बेचारी विमला आंटी। अब जैसे ही चंदा घर आती है तो उसकी माँ उर्मी चंदा से कहती है, आज तूने विमला आंटी को देखा क्या, मिले तो कह दियो मुझे उनसे जरूरी काम है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो विमला आंटी काफी चार दिनों से दिखी ही नहीं है, कहीं गई होंगी। कुछ समय बाद चंदा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और उर्मी पोछा लगा रही थी, तभी विमला चिल्लाते हुए उर्मी के घर आती है और उर्मी भी विमला को देख कर कहती है, क्या हुआ विमला, इतना चिल्ला क्यों रही है, सब ठीक तो है ना। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ, तेरी बेटी चंदा उसने मुझे ऐसे रास्ते से राशन लाने के लिए भेजा जिस रास्ते पर कुत्ते थे और उन्होंने मुझे जो दौड़ाया है, पूछ मत, कॉलोनी में आकर सांसें ली है मैंने। तो उसमें चंदा ने क्या किया, उसने तो कहा था कि माँ राशन लेने गई है, आप शॉर्टकट से होकर जाना, और मैं भी उसी रास्ते से चली गई और मेरे साथ ये हो गया। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे विमला काकी दिखी ही नहीं चार पाँच दिन से। इतना सुनते ही चंदा तो भाग चुकी थी क्योंकि उसकी माँ उसे पीटने जो वाली थी। इस घटना के बाद देर शाम चंदा दरवाजे के बाहर रो रही थी, तभी पड़ोस का एक आदमी चंदा को देखकर कहता है, चंदा बिटिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो, माँ ने मारा क्या।
क्या बताऊं अंकल, विमला आंटी नहीं रही, मुझे अभी पता चला और मुझसे रोना रुक ही नहीं रहा है। अब जैसे ही उस आदमी को ये पता चलता है तो वो सबको ये बताता है कि विमला जी के दाह संस्कार में जाना है और सब विमला के घर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग चौंक जाते हैं। विमला तो हॉस्पिटल होगी, लेकिन विमला ही दरवाजा खोलती है और सभी लोग विमला को देखकर भागने लगते हैं। और विमला ये देखकर सभी से कहती है, क्या हुआ, सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो, कोई भूत देख लिया क्या? भूत खुद बोल रहा है, भूत देख लिया क्या, तुम भूत ही तो हो। मैं और भूत, किसने कहा, मैं मरी कब? मुझे चंदा ने बताया कि विमला आंटी मर गई है, जिसकी वजह से वो रो रही थी। चंदा हमेशा से अपनी भोली सूरत के साथ लोगों को फंसा दिया करती थी। अब की बार भी चंदा ने विमला को फंसा दिया था, लेकिन चंदा की भोली सूरत पर लोग धोखा खा जाया करते थे और चंदा इसका पूरा फायदा उठाती। अब देर शाम विमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, उर्मी कहाँ गई तेरी बेटी, जिसकी बस शकल ही भोली है मगर दिल वो इतनी खोटी है कि लोगों को बुरा कहने से पहले एक बार न सोचे। अब क्या किया इस नासपिटी ने, इसने तो सचमुच मेरा जीना हराम करके रख दिया है। कल की बात ही ले ले, कल वो रो रही थी और मोहल्ले के लोगों को कह दिया, विमला आंटी निपट ली और वो लोग भी मेरे घर आ गए मेरी मौत का मातम मनाने। चंदा तो अपनी भोली सूरत से इधर तब तक कई कांड कर चुकी थी, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी थी। दरअसल इस बार चंदा एक कपड़ों की दुकान पर जाती है और वो कम से कम 5,000 से ऊपर के कपड़े खरीद कर वहाँ से निकल जाती है। तभी दुकान का मालिक चंदा को ढूंढने लगता है और उसे काउंटर पर एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा था, अगर मैं पैसे देना भूल जाऊं तो इस एड्रेस पे आकर पैसे ले जाना, मुझे भूलने की आदत है। अब वो दुकान का मालिक उस पर्चे पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है और विमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी विमला घर से बाहर आती है और उस दुकान के मालिक से कहती है, जी आप कौन और क्या काम है? मेरे कपड़ों की दुकान है और मुझे आपका ये एड्रेस मिला है। अरे भैया मुझे नहीं लेना कोई कपड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आंटी तमीज में रहकर बात करो, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, मुझे ये एड्रेस एक लड़की ने दिया था जो आज ही 5,000 के कपड़े खरीद कर गई है। मेरी कोई बेटी नहीं है और मुझे क्या पता कौन थी वो जिसके पैसे तुम मुझसे मांगने आया है। अरे वो लड़की लंबी सी है, बहुत ज्यादा बोलती है, उसी ने ये गलती से पर्चा छोड़ दिया, वरना मुझे तो मेरे पैसे मिलते ही नहीं। गलती से नहीं भूली होगी वो, जानबूझकर भूल गई है, मेरी जान की दुश्मन, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। विमला फिर से शिकायत लेकर उर्मी के पास जाती है, लेकिन भोली सूरत वाली चंदा तो अब नया तमाशा करने के लिए अपनी दोस्त के घर पहुंची हुई थी, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी दोस्त सीमा के घर उसे देखने लड़के वाले आए हैं और वो लड़के वाले भी सीमा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लड़के की माँ चंदा को लड़की समझकर कहती है, अरे बहू तो हमारी बहुत सुंदर है, मुझे तो अभी ये रिश्ता पसंद है, देखो तो कितनी मासूम है ये। तभी सीमा की माँ आरती चंदा से सच बताने को कहती है, लेकिन चंदा अपनी नौटंकी जारी रखते हुए कहती है, माँ ये आप क्या बोल रही हो, मुझे भी लड़का पसंद है। अब रिश्ता तो तय हो जाता है और जब लड़के वालों को सीमा की माँ आरती ये बताती है कि वो लड़की सीमा की दोस्त चंदा थी, तो रिश्ता चंदा के घर आता है और अब सब कुछ फाइनल कर दिया जाता है, क्योंकि चंदा के मासूम से चेहरे को देखकर लड़के वाले भी उस पर फिदा थे। लेकिन चंदा को कहाँ पता था कि हर बार अपनी भोली सूरत से लोगों को फंसाने वाली चंदा इस बार खुद फंस गई थी। दरअसल जिससे वो शादी करने वाली थी और जिसके लिए उसे अपने दोस्त को भी धोखा दिया, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। एक रोज चंदा मार्केट जा रही थी, उसके साथ विमला आंटी भी थी। तभी उसका होने वाला पति रोहित अपने दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा होकर कह रहा था, तुझे पता है मैं जिसे शादी करने वाला हूँ ना, वो बहुत भोली है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता शादी के 2 महीने बाद ही मैं उसे बेच दूंगा। ये बातें पास खड़ी विमला और चंदा सुन लेते हैं और विमला चंदा से तभी कहती है, तूने सुना, तेरा होने वाला पति अपने दोस्तों को कह रहा था कि वो तुझे बेच देगा। नहीं नहीं आंटी आपने गलत सुना है, वो तो ऐसे है भी नहीं। तो तू भी तो शक्ल से ऐसे बिल्कुल नहीं लगती है। तभी चंदा अचानक से उसके सामने आ जाती है और रोहित भी चंदा को देखकर घबरा जाता है और वो चंदा से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर हो, मैं तो बस कह रहा था कि
इतने में चंदा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और रोहित भी उसे मारने की कोशिश करता है कि विमला उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये सब होते देखकर चंदा को पछतावा होता है कि अब तक उसने अपनी भोली सूरत से सबसे ज्यादा विमला को ही परेशान किया, लेकिन विमला ने तो उसकी मदद की। तभी वो विमला से कहती है, मुझे माफ कर दो विमला आंटी, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तू तो अभी बच्ची है और ना समझ भी, जब बड़ी होगी तो खुद ब खुद ये काम भूल जाएगी। अब जब चंदा और विमला घर आती है और उर्मी को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो उर्मी भी चंदा से कहती है, देखा आज विमला की वजह से तो बच गई। तेरी जो हरकतें है ना, किसी दिन वो तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी और तुझे ना जाने कब अकल आएगी। देर से ही सही, लेकिन चंदा समझ जाती है कि कभी कभी हमारी गलती या ओवर स्मार्टनेस हम पर ही भारी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।